हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। आपके लिए लेकर आए एक हिस्टोरिकल वीडियो जो कि है कुतुब मीनार से रिलेटेड। तो दोस्तों, इस बारे में हम जानेंगे कुतुब मीनार की हिस्ट्री एंड उसके बारे में बताएंगे और उसमें जो रहस्यमय वाली बातें हैं वो भी बताएंगे इस वीडियो में। तो तब तक के लिए हमारी वीडियो को देखते रहिए आप दोस्तों। कुतुब मीनार दिल्ली के महरौली जगह पर स्थित है तथा इसकी ऊँचाई 72.5 मीटर है। कुतुब मीनार का निर्माण 1192 ईस्वी को कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था तथा बाद में इसे उसके बेटे इल्तुतमिश ने पूरा किया था। मेट्रो स्टेशन से उतरते ही दोस्तों, ऑटो में आप 20 रुपये देकर कुतुब मीनार के गेट तक पहुंच सकते हो। कुतुब मीनार के राइट साइड पर एक काउंटर बना हुआ है जहां से टिकट ले सकते हो और सामने एक कुतुब मीनार का बोर्ड लगा हुआ है और ये सामने मेन वाला रोड है। तो चलते हैं गेट के अंदर और ये है कुतुब मीनार टिकट काउंटर। यहां से आप टिकट परचेस करके अंदर जा सकते हो। वीडियोग्राफी के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ता है और बिना वीडियोग्राफी के लिए आपको थोड़ा सा ही पे करना पड़ेगा। और ये दोस्तों टिकट ले लिया है दोस्तों। कुतुब मीनार देखने के लिए सैटरडे और संडे को ज़्यादा भीड़ लगती है तो आपको टिकट मुश्किल से मिल पाता है। लंबी लाइन लगाने के कारण बहुत लेट हो जाता है। तो दोस्तों, आप वहाँ पे QR कोड लगा हुआ है वो स्कैन करके आप जल्दी से पेमेंट कर सकते हो। और ये दोस्तों कुतुब मीनार का पार्किंग एरिया है जो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पर एक लोग कार भी खड़ी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सामने की ओर यह है मेन गेट कुतुब मीनार का। तो करते हैं हम यहाँ से एंट्री और अंदर का आपको नज़ारा दिखाते हैं। दोस्तों, भारत में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो कुतुब मीनार को नहीं जानता होगा। यह अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने अंदर बहुत से राजों को समेटे हुए है। आइए तो इन्हीं पे चर्चा करते हैं, बताते हैं आपको। कुतुब मीनार दिल्ली के महरौली छतरपुर इलाके में है। यह ईंटों से बनी दुनिया की सबसे बड़ी इमारतों में से एक है। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। अफगानिस्तान में स्थित जाम से प्रेरित होकर मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1193 में इसका निर्माण कराया था और इसकी नींव रखी थी। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में इसका निर्माण नहीं हो पाया था तथा इसके बाद इनके पोते इल्तुतमिश गद्दी पर बैठे जो इनके उत्तराधिकारी थे। इन्होंने बाद में कुतुब मीनार का निर्माण कराया और इसके ऊपर की 3 मंजिल तक इल्तुतमिश ने ही बनवाई थी। दोस्तों, कुतुब मीनार साल 1368 एशिया में दुनिया की सबसे बड़ी मीनार के नाम से जाने जाने लगा तथा अंतिम में इसका ऊपर का निर्माण 5वीं अंतिम मंजिल का फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया था। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक के ज़माने में 1508 में इतना भयंकर तूफान आया था कि यह इमारत आधी तो टूट गई थी और आधी जो बची थी वो तहस नहस हो गई थी, ये समझो बर्बाद हो गई थी। मीनार के निर्माण में लाल बलुआ और मार्बल का इस्तेमाल किया जाता था। इसके गोल अंदर करीब 379 सीढ़ियाँ हैं। साथ में दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि यह मीनार ख्वाजा बख्तियार काती की याद में बनवाया गया था। दोस्तों, कुतुब मीनार को भी इस तरह से बनाया गया है। ये भी अपने समय पर ये भी अपने कलर बदल सकता है, जैसे नाइट में ये गोल्ड का नज़र आता है। तो इसमें कोई जादुई हीरा नहीं लगा हुआ है बल्कि इसमें साधारण से बल्ब लगे हुए हैं जो कि इतनी रोशनी देते हैं और कलर भी बदलते हैं। दोस्तों, आप जब भी कुतुब मीनार को देखने के लिए जाएंगे तो आप इसके ऊपर और अंदर नहीं घुस पाएंगे क्योंकि इसको सरकार ने बंद कर रखा है। और ये बंद क्यों रखा है तो जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, इस दरवाजे को 1981 से पहले से ही बंद कर रखा है। हुआ यूँ क्योंकि 1981 के बाद एक टूर इसमें घूमने के लिए आया था और उसमें बहुत सारे लोग थे और वो कुतुब मीनार के ऊपर चढ़ गए और अचानक से इसमें लाइट चली गई। इस भीड़ भगदड़ की वजह से, उछल कूद की वजह से इसमें हादसे में 41 लोगों की मौत हो गई। तब से ये दरवाज़ा आज तक बंद है और किसी ने नहीं खोला। दोस्तों, कुतुब मीनार की सीढ़ियाँ इतनी छोटी है कि एक साथ 2 लोग नहीं चल सकते और इसी वजह से कि बच्चे जब भाग रहे थे तो वो जीने से गिर गए और उन बच्चों की मौत हो गई। दोस्तों, आज इसके अंदर की सीढ़ियाँ देखिए इतनी छोटी छोटी हैं कि इसमें से एक ही उतर सकता है और एक बार में एक ही बच्चा चढ़ सकता है, 2 लोग इसमें एक साथ नहीं चल सकते। दोस्तों, हादसे के बाद सरकार ने इसके दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया और ये आज भी दरवाज़ा बंद है। तो आप कुतुब मीनार का पूरा नाम जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो चलिए मैं बताता हूँ। कुतुब मीनार का नाम लाल कोट के निर्माण तौरवंश के राजपूत शासकों ने किया था। बाद में ये पृथ्वीराज चौहान ने इसे जीत लिया। इसका नाम किला राय पिथौड़ा रखा। तब कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसी वक्त इसे वापस ले लिया और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने ढंग से कराया।
क्या दोस्तों आपको पता है कि कुतुब मीनार कितने मंजिल तक बना हुआ है? दोस्तों कुतुब मीनार 5 मंजिल तक बना हुआ है। दिल्ली के अंतिम शासक की पराजय के तत्काल 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इस 73 मंजिल का निर्माण कराया गया और यह 5 मंजिल तक बना हुआ है। इसके हर एक मंजिल में बालकोनी बनी हुई है जिसकी आधार 1.5 मीटर है। मेन गेट से एंट्री करने के बाद राइट साइड में आपको ये कुछ कब्रें दिखाई देंगी जो कि बहुत पुरानी कब्रें हैं और आज भी बिल्कुल शेप एंड सुरक्षित हैं। थोड़ी बहुत बस ईंटें टूट गई हैं यहाँ से। फिर दोस्तों यहाँ से जाने के बाद थोड़ी सी पार्क पड़ेगी और इस पार्क के सामने है कुतुब मीनार हमारा। पार्क के आगे के बाद इल्तुतमिश मकबरा बना हुआ है जो कि अंदर से कब्रें कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं तथा इनका जन्म 1236 ईस्वी को हुआ था और इनके बहुत सी औलादे थी जिनमें से बहरम रुकनुद्दीन और बेटी का नाम रजिया सुल्तान था। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद राइट साइड में अलाई मीनार का रास्ता है जो कि सामने की ओर बना हुआ है। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार से बड़ा बनाने के लिए इसको बनवाया था लेकिन किसी वजह से इसका काम रुक गया और ये 1 मंजिल तक नहीं बन पाया और बीच में ही इसका काम रोक दिया गया। दोस्तों इसके बराबर में एक कुआँ है जो कि सूखा पड़ा हुआ है, इसका इस्तेमाल अब नहीं किया जाता, पहले किया जाता था। मीनार के साथ ही अलाउद्दीन का मदरसा है जो उसने अपने टाइम में बनवाया था और इसके सामने एक बहुत बड़ी पार्क है जो कि बहुत अच्छी है आज भी और इसके सामने कुछ रास्ते भी बने हुए हैं और इसके साइड में आगे की ओर जाएंगे तो कुछ इस तरह से खंडर भी नज़र आएगा जो कि ये बहुत बड़ा मदरसा था। थोड़ा सा आगे की चलने से और दोस्तों यहाँ पे देखिए अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा बना हुआ है जो कि अंदर से कुछ इस तरह नज़र आता है और लोग यहाँ पे आकर आज भी अभी भी सेल्फियाँ ले रहे हैं कुछ इस तरह से। कुतुब मीनार के अंदर एक दरवाज़ा है जहाँ पे कुरान की काफ़ी आयतें लिखी हुई हैं जिनको पढ़कर आप समझ सकते हैं और सामने एक अलाई दरवाज़ा नज़र आएगा जो एक दरबार है बना हुआ टाइप का है। सामने की ओर दोस्तों एक आयरन पिलर बना हुआ है जिसका नाम विष्णु स्तंभ है। ये इसकी खास बात है, इस पर आज तक जंग नहीं लगी और ये ना ही अभी तक गला है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे देखिए एक जैन मंदिर हुआ करता था जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद से पहले से बना हुआ है और इस पर कुछ घंटियाँ जैसे निशान है और हिंदू के प्राचीन चिन्ह बने हुए हैं और इसके गुम्बद की गोलाई में भी कुछ काफ़ी सारी डिज़ाइन बनी हुई है। दोस्तों ये पिलर बहुत ही पुराने हैं और ये पिलर बहुत काफ़ी चौड़ा लंबा बना हुआ है, इस पर भी बहुत सारे आर्किटेक्चर बने हुए हैं। इसे हिंदू आर्किटेक्चर कहा जाता है और इस पर घंटियां बनी हुई हैं, इन पर कुछ मूर्तियों के निशान भी बने हुए हैं। कहते हैं कि पहले यहाँ पर जैन मंदिर हुआ करता था, बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर कुतुब मीनार का निर्माण कराया और ये झोपड़े टाइप का बना हुआ है कुछ इस तरह से।